नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अप्रैल के पहले सप्ताह से ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान के साथ ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल में ही जून की गर्मी देखने को मिल रही है। मार्च महीने में ही गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, वहीं अब अप्रैल के महीने में गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। हालत ऐसे बन गए हैं कि लोगों का दिन में निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल से अत्यंत गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, जिस कारण हीट वेव की स्थिति बन सकती है, जिनमें बिहार की राजधानी पटना सहित 14 जिले गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और भभुआ सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान से इन जिलों का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने को भी बोला है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में नमी रहने के कारण इसका प्रभाव बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है, जिससे कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और वहीं पारा गिरकर 25 डिग्री पहुंच गया, और साथ ही सुपौल और आसपास के जिलों में आंधी तूफान जैसी स्थिति देखी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पटना सहित गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के कुछ भाग में शुक्रवार को मेघ गर्जन, बिजली के साथ हल्की बारिश और हवाओं की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। मौसम शुष्क होगा, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत भी मिलेगी, लेकिन वही हीट वेव को लेकर मौसम विभाग द्वारा जो बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है वो चिंता का विषय है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।